बेटा अपना माइक ऑफ रखें सब लोग। माइक ऑफ रखें, आपके माइक से आवाजें आती हैं बेटा। माइक ऑफ रखें सारे लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो आपने थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की से शीट बनवानी थी, उसमें जो राइट साइड व्यू और लेफ्ट साइड व्यू है उसमें उसका टॉप व्यू पे भी फर्क पड़ता है, मतलब टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू पे उनकी साइडें चेंज होती हैं? थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको जो असाइनमेंट दी हुई है उसकी बात कर रहे हो? नहीं सर, वो तो क्रैंकशाफ्ट काउंटर वेट की है ना, हाँ, आप किस, वो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से बनानी है ना हाँ वो फर्स्ट में बनानी है। सर? मैं बात कर रहा हूँ कि जो थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से हम फर्स्ट कर लेंगे राइट साइड व्यू से देखते हैं, तो उसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू की जगह पे कोई फर्क पड़ता है? हाँ, राइट साइड से देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे ड्रा करेंगे, लेफ्ट साइड से देखेंगे तो राइट साइड पे ड्रा करेंगे। हमने अब तक जितनी भी थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में फिगर्स बनाई हैं उनमें हम राइट साइड के ऊपर साइड व्यू बनाते हैं, तो बेसिकली वो लेफ्ट साइड से देख रहे होते हैं तो राइट साइड पे बना रहे होते हैं। ठीक है? यस सर। हाँ, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ये होता है कि ये जो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर आपको असाइनमेंट दी हुई है उसके लिए मैंने इसीलिए आपको ये असाइनमेंट पहले बना के दिए थे साथ में। ये देखें, ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही है साथ? यस सर। हाँ, इस ये आपका मैनुअल जो है ना, ये आपकी गाइड है बेटा, इसको आपने फॉलो करना है। देखिए अब ये जो आपके सामने है ये ब्रैकेट, ये थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में आपने बनानी है ना। इसमें चीजें डिस्टर्ब हुई हुई हैं क्या? फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अच्छा, आप जितनी भी ड्राइंग्स पहले बना रहे हो ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बना रहे हो ना? यस सर। हाँ, ये भी फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर आपको नजर आ रही, दूसरी, तीसरी, चौथी के अंदर आ जाए तो ये भी, ये थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर बनवाई है। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट। हाँ, ये बेटा जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है ये आपको कहा था कि ये आपने बनानी है थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर 2:1 के साथ। ठीक है? तो यस सर। हाँ, ये देखो, ये राइट साइड का, राइट साइड से देखेंगे तो राइट साइड पे ड्रा करेंगे। ये नजर आ रहे हैं आपको व्यूज? यस सर। राइट साइड व्यू राइट साइड के ऊपर ही ड्रा किया हुआ है ना, तो ये थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। सही है? ये ऊपर आप डिवीजन में भी इसको देख सकते हैं। ये देखें डिवीजन इसकी किस तरीके से की है, जो फ्रंट व्यू है वो नीचे चला जाता है, टॉप व्यू ऊपर चला जाता है, और साइड डिसाइड करती है कि ये दोनों व्यूज किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे आएंगे या राइट साइड के ऊपर आएंगे। थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर अगर राइट साइड से देख रहे हैं तो राइट साइड के ऊपर ही साइड व्यू ड्रा होता है। सही है? यस सर। हाँ, और अगर लेफ्ट साइड से देखेंगे तो इन दोनों व्यूज के लेफ्ट साइड के ऊपर साइड व्यू को ड्रा करेंगे। ठीक है? ये सिर्फ एक ड्राइंग आपकी बनवाई थी थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में, बाकी सारा काम आपका फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर ही है। ये देखिए, ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, इसके अंदर आपको ये नजर आ रही है डिवीजन कैसे की हुई है, फ्रंट व्यू ऊपर है, टॉप व्यू नीचे। ये जो साइड व्यू है ये बेसिकली लेफ्ट साइड का व्यू है जो यहाँ पे आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है सर। हाँ जी, ये आप, ये काउंटर वेट आपने घर से बना के लाना था। उसके बाद हमारे पास ये वाली ड्राइंग शीट है। आपने कितनी, 5 शीट्स कर ली हैं या 6 कर ली हैं? 5 शीटें, 5 शीटें, 5 की हैं, 5। यानी पांचवी जो है वो आपको असाइनमेंट दी थी, आज छठी से देखना है हमने, ऐसे ही? ये जर्नल, यस सर, ये जर्नल बेयरिंग बना लिया आपने? जर्नल बेयरिंग? नो सर, नो सर। हाँ, जर्नल बेयरिंग आपने नहीं बनाया, तो जर्नल बेयरिंग आज देखते हैं, मैं नेक्स्ट आपको बताने लग गया।
ये फिर आपके जो इस वीक के दो काम होंगे, यानी कि नेक्स्ट वीक जब आप आओगे आपको पता चल गया होगा 23rd से आपकी मिड स्टार्ट हो रहे हैं ना। जी सर। हाँ, तो जो नेक्स्ट वीक है वो आपका ऑन कैंपस वीक होगा, तो उसमें जो 2 दिन है उसमें आपने यही काम करना है, ठीक है। शीट नंबर 6 और शीट नंबर 7 आप बनाएंगे, और ये दोनों आपने बनानी है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर ही, ठीक है जी। इस पे आ जाए ड्राइंग नंबर शीट, अगर हम देखें 6 नंबर, तो ये आपने बनाना है जर्नल बेयरिंग, ठीक है। जर्नल बेयरिंग हाउसिंग है, जर्नल बेयरिंग हाउसिंग। तो जर्नल बेयरिंग की हाउसिंग आप कैसे बनाते हैं, ये आपको सामने फिगर नजर आ रही है, इसमें आपको डायमेंशन नजर आ रही है सारी। एक्स आपको पता है इस साइड से आपने लेना है। मैं ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे इंसर्ट शेप्स, हाँ जी। ये जो साइड आपको एरो वाली नजर आ रही है, ये वो फ्रंट वाली साइड है आपकी, ठीक है। अब इसको फ्रंट लेके अब आपने बनाना शुरू करने हैं इसके व्यूज, ठीक है। अब ये डिवीजन है, इसकी फार्मूला आपके पास गिवन है। अब आपने मुझे चैट के अंदर बताते जाना है कि फ्रंट व्यू का एक्स क्या होगा, इसमें फ्रंट व्यू की एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये सारी की सारी वैल्यूज मिलीमीटर में गिवन है। इसमें भी आपने 2:1 के साथ बनाना है इसको। हाँ जी, 2:1 के साथ ये क्या हो जाएगी, 250। किस तरह भला, 85 ये है, 20 और 20 40 ये है, तो 40 प्लस 85 क्या होता है जी, 15 जमा 25, 125, और 125 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये बन जाएगा 250, सही है जी। ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू फ्रंट व्यू एक्स की। उसके बाद आपको फार्मूला में रखने के लिए चाहिए साइड व्यू एक्स, तो ये क्योंकि हम बना रहे हैं फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में, हमने राइट साइड में ड्रा करना है, तो लेफ्ट साइड से देखेंगे। लेफ्ट साइड से इस साइड से देखें तो साइड की वैल्यू क्या आएगी बताएं जी। आपको फ्रंट व्यू का वाई चाहिए, फ्रंट व्यू का वाई की वैल्यू क्या होगी। हाँ जी, फ्रंट व्यू में वाई की वैल्यू क्या होगी, आपको सर्कल के सेंटर से बिल्कुल बॉटम लाइन तक एक डायमेंशन नजर आ रही है 30 की, 30, और प्लस आपने रेडियस ऐड करना है इस बड़ी कर्व का। ये जो बड़ी आपको कर्व्ड सेक्शन नजर आ रहा है बिल्कुल टॉप के ऊपर कर्व्ड सेक्शन, उसका जो रेडियस है वो गिवन है, डायमेंशन वो है R25, यानी कि रेडियस 25 मिलीमीटर है, ठीक है जी। तो ये वैल्यू आपकी बनती है 30 प्लस 25, टोटल वैल्यू बनती है 55, बन जाएगी 55 मल्टीप्लाइड बाय 2। हाँ जी, अब फार्मूला के अंदर नेक्स्ट आपको चीज चाहिए टॉप व्यू वाई, टॉप व्यू का वाई क्या होगा, टॉप व्यू से इसे अगर देखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या होगी। हाँ जी बताएं जी। जी सुभान, 35 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है।
तो ये चीजें इसी के हिसाब से बेटा जो आपके बाकी सर्कल्स हैं उनके डायामीटर हैं वो भी डबल हो जाएंगे, हर डायमेंशन डबल हो जाएगी, और आपने बनाना है इसको फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में। तो आपका जो ये बनेगा व्यूज वो इस फैशन के अंदर बनेंगे। टॉप फ्रंट व्यू ऊपर आएगा, फिर आपका नीचे आएगा टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू के राइट साइड पे लेफ्ट साइड का व्यू आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें कुछ और भी लिखा हुआ है, ये जो ऊपर टॉप पे आपको एक छोटा सा सर्कल नजर आ रहा है, इसके लिखा हुआ है ऊपर ऑयल होल डाया 1.5 और CSK at 90 degree, ठीक है, टू डाया 3। अच्छा, अब आपने इसमें ये देखना है कि ये जो डायमीटर है इसका मतलब ये है कि ये थ्रू होल है टॉप से बॉटम तक, यानी जो टॉप सरफेस आपको नजर आ रही है उसमें टोटल इसको होल किया गया है, जो डायमीटर है वो है 1.5 मिलीमीटर, डाया है 1.5 मिलीमीटर। ठीक है जी। और ये नीचे तक इसको इस तरीके से ड्रा करना है जैसे आपको नीचे फ्रंट व्यू के अंदर नजर आ रहा है। सही है बेटा। टॉप व्यू के अंदर आपको तीन सर्कल नजर आएंगे, उन तीनों सर्कल्स का डायामीटर, अच्छा इसका डाया 3 है बेटा, ये जो है 1.5 CSK, ये क्या चीज है इसको हम देखेंगे बाद में, ये अभी मेरे जहन में है नहीं, इसको मैंने देखा नहीं है, इसको देख लेंगे 1.5 CSK क्या चीज है। लेकिन इसका डायमीटर क्योंकि 3 यहाँ पे नीचे ड्रा हुआ है तो इसको हमने 3 ड्रा करना है। ठीक है, तो डायमीटर इसका ऊपर टॉप होल का डायमीटर 3 हो गया, बाकी सारे होल के डायमीटर गिवन है। अच्छा, एक चीज जो इसमें जहन में रखने वाली है, आपको राइट साइड का डायमीटर 15 नजर आ रहा होगा, 5 15 लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड के ऊपर सेम सर्कल है लेकिन उसके ऊपर कोई डायमेंशन नहीं गिवन। इसका मतलब ये होता है अगर ऐसे हो कि एक साइड पे डायमेंशन गिवन है दूसरे होल की डायमेंशन नहीं गिवन, तो ये अंडरस्टूड होता है कि दूसरी साइड पे जो सर्कल है उसका भी यही डाया है। टॉप व्यू के वाई की समझ नहीं लगी। अच्छा जी, दोबारा आपको बताते हैं बेटा, ये देखें जहां पे एरो लगा हुआ ये फ्रंट है, ठीक है, और फ्रंट से टॉप की तरफ आपने मूव करना है। फ्रंट से टॉप की तरफ जाएंगे तो आपको दो एक्स के अंदर नजर आएगी, ये जो 20+85+20 है, और वाई में जो डायमेंशन नजर आएगी वो है 35। तो ये 35 होगी, 35 के हिसाब से आपने इसको ड्रा करना। तो ये बेटा इसके व्यूज बनते हैं। इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो बताए। ना सर, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर इसे जो पहले वाला आप दिखा रहे थे ना सर, वो जो थर्ड डायमेंशन से करना है, फर्स्ट डायमेंशन से करना है सर, इससे थोड़ा ऊपर जो है हाँ सर, उसमें मुझे मसला ये आ रहा था कि प्रोप ऊपर ले जाए सर, 6 नंबर 6 शीट जो है सर, इससे ऊपर सर, इसे 5 नंबर है सॉरी हाँ ठीक सर, है, ये ये थर्ड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बनानी है, ये है थर्ड, सर ये सही है। ये थर्ड ओके, फर्स्ट एंगल। प्रोजेक्शन वाली पे पूछ रहा था सर, इसमें मुझे कल हाँ, मसला आ रहा था बनाने क्या में प्रॉब्लम बताएं, क्या प्रॉब्लम कि आई? ये थर्ड से बनाना था कि फर्स्ट से बनाना था। ये फर्स्ट से बनाना है, थर्ड से वो बनाना था जो आप उधर आपने लैब के अंदर खुद बनाया था, वो थर्ड से बनाना था बस। ओके सर, ओके, थैंक ठीक है, यू सर। सिर्फ एक ही आपसे थर्ड में बनवाना था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये थर्ड के अंदर भी काम हो सकता है ना, बाकी फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में करना है सारा काम। ये जो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की ये जो है नीचे आप आ जाएं तो आज का जो काम है ये भी फर्स्ट एंगल में है, और नेक्स्ट जो काम करना है वो भी फर्स्ट एंगल में ही होगा। ठीक है, तो ये इसके व्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो है वो शीट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जुमे वाले दिन। ठीक है बेटा, अभी हम सेशन को एंड करते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें। फोर्थ शीट का नेम बेटा लिखा होगा ना वहां पे, शीट नंबर 4 क्या है, ये है शीट नंबर 4, ये ब्रैकेट है बेटा, ब्रैकेट कहते हैं इसे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर ये काइंडली ये क्या कि अपना जो अटेंडेंस के लिए ना अपने चैट बॉक्स के अंदर ही ना अपने रोल नंबर लिख दें, वो नेम होते हैं तो फिर उधर से मुश्किल होती है उनकी ना वो करने के लिए, रोल नंबर और नेम मैच होता है, तो वो डायरेक्टली ना अपने वो रोल नंबर तो चैट बॉक्स में सेंड कर चलिए दें। ठीक हो गया, चैट बॉक्स में अपने अपने रोल नंबर लिखते जाएं जी सारे। सर ये शीट नंबर दोबारा ये दिखाइएगा जरा।
शीट नंबर फाइव, ये ले जनाब शीट नंबर फाइव, ये ले। हाँ जी हाँ जी बोले, शीट नंबर फाइव आ गई सामने, आवाज नहीं आ रही सर। उसका सर उसका स्क्रीनशॉट लेना था, वैसे इसका व्यू दिखा दें जरा जो बनाया हुआ। ये बेटा स्क्रीनशॉट लेने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने शेयर किया हुआ आपके साथ एलएमएस पे, आपको वो बड़ी पिक्चर मिल जाएगी वहां से, और प्रिंट निकाल के लाया करें उसका। सर एलएमएस का मसला है सर, उधर से मिल ही नहीं रही सर, उधर से हमें कोर्स फोल्डर के नाम से एक बेटा वो फोल्डर वहां पे सामने नजर आएगा, जैसे ही आप डैशबोर्ड के ऊपर जाओगे और अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग की लैब खोलोगे तो सामने आपको कोर्स फोल्डर नजर आएगा, उसको खोलेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। नहीं समझ आ रही तो जो लोग बाकी हैं, किसी को अगर समझ में आ रही है तो उससे पूछ सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। एनएस के लिए अपना रोल नंबर लिखते हैं, सीआर नोट कर लो यार, उसी फाइल के अंदर डाल देना, ठीक है उस्मान सर। यस सर, यस सर। जी जी बोले सर, ये शीट 6 की कैलकुलेशन करके आनी है। हाँ जी हाँ जी, ये अंडरस्टूड है ना, जो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा होता है उसका अपने घर से उसके बॉर्डर लाइन लगा के आनी है, उसके टाइटल ब्लॉक बना के टाइटल ब्लॉक फिल करके लेके आना होता है, ठीक है। टाइटल ब्लॉक भी, और मैं तो कहता हूँ घर से भी करके आए ताकि आपका टाइम बचे और यहाँ पे आके डायरेक्ट व्यू। सर मिड में इसमें कोई चीज होगी इस इंजीनियरिंग लैब की? नहीं, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स लैब में मिड में कुछ नहीं होगा, फाइनल में रखेंगे इसका भी। ओके सर, लीव कर दे? हाँ, जिन्होंने रोल नंबर बता दिया वो लीव कर सकते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। ये हेलो जी जी, ये जनरल बेयरिंग का मेन मकसद क्या होता है सर? जनरल बेयरिंग का मकसद बेटा ये, आपने ना पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ना है मशीन डिजाइन के नाम से, ठीक है। मशीन अंदर आपको बताएंगे कि बेयरिंग्स कितने टाइप्स के होते हैं और बेयरिंग का मकसद क्या होता है। जैसे बेयरिंग का मकसद होता है जो आपकी लोड कैरिंग शाफ्ट्स होती है ना उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना और फ्रिक्शन लेस मूवमेंट उनको प्रोवाइड करना, ठीक है। ओके सर, जो डिटेल्स हैं वो आप, इसका पूरा सब्जेक्ट है जिसमें आपने मशीन के डिफरेंट कंपोनेंट्स का डिजाइन पढ़ना होता है, उसमें बेयरिंग की टाइप्स भी पढ़ेंगे, हर बेयरिंग का अलग फंक्शन होता है। ये जनरल बेयरिंग का फंक्शन ये होता है हॉरिजॉन्टल शाफ्ट्स, हॉरिजॉन्टल लोड कैरिंग शाफ्ट्स को लोड सपोर्ट और फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड करना, इसका मकसद होता है। यस सर। सर ये जब हम मतलब प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं जो भी ये मैकेनिकल की है, तो उसमें कोई मशीन की अगर हमने ड्राइंग बनानी है तो बाय हार्ड देंगे या मतलब कंप्यूटराइज मतलब उसको बना के देंगे? यार देखो, ये जो आपको यहाँ पे करवाया जा रहा होता है काम, ये आपको इसलिए करवा रहे हैं कि आपको पता चले कि चीजें मतलब ये बनती कैसे है ना। बात है मशीनों का कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स है तो वो हाथ से नहीं बनाते, लोग मशीन से बनाते हैं, ऑटो कैड से बनाते हैं या मोर कैड सॉफ्टवेयर हैं उनके थ्रू से बना रहे हो। लेकिन ये करवाने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि बैक एंड के ऊपर प्रोसेस क्या हो रहा होता है, ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। चलें जी, इसको अब बाइंड अप करते हैं फिर, ठीक हो गया उस्मान? अटेंडेंस होगी बेटा सबकी? यस सर, हो गई। चलें फिर, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।